यूट्यूबर गौरव तनेजा की बेटी को मिली जान से मारने की धमकी। गौरव तनेजा ने ट्विटर पर शेयर की जानकारी, आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। गौरव तनेजा काफी फेमस यूट्यूबर हैं और फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं। गौरव तनेजा की 4 साल की बेटी को लेकर एक धमकी भरी कॉल आई है, जिसको गौरव तनेजा ने ट्विटर पर शेयर कर जानकारी दी है। उन्होंने इसको लेकर दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को भी टैग किया है। गौरव तनेजा ने इस धमकी की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, हमारी 4 साल की बेटी को लेकर धमकी भरी कॉल आई है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। गौरव तनेजा काफी फेमस यूट्यूबर हैं और उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं। अब गौरव तनेजा की बेटी को धमकी भरी कॉल पर कई सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। इस पर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल ने भी रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मामले का संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को नोटिस जारी करेंगे। तो इस पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो भी ये व्यक्ति है इसे हर हालत में गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, नहीं तो पुलिस और कानून व्यवस्था का इकबाल ही खत्म हो जाएगा और ऐसे सिर्फ रेत तत्व और अपराध करेंगे। तो इस पर यश पटेल नाम के एक यूजर लिखते हैं, बच्चे को छोटी उम्र में फेमस बनाने का धंधा छोड़ दो, ये तुम्हारी लालच का नतीजा है। बच्चे को बचपन में भी चला जाता है और बच्चे के लिए खतरा बढ़ता है। तो वही शुभम सिन्हा नाम के एक यूजर ने लिखा, सर जी कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए ये सब करते हैं, ज्यादातर ये रियल नहीं है। अगर जितने थ्रेड आते वो सब रियल होते तो बहुत कुछ हो जाता। इग्नोर कीजिए इस चीजों को सर, ये बार बार पुलिस का चक्कर अच्छा नहीं लगता। आपको बता दें कि 9 जुलाई को गौरव तनेजा नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर अपना 36वां जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। जन्मदिन नोएडा में मनाने की सूचना यूट्यूबर ने अपने इंस्टाग्राम से फॉलोअर्स को दी थी। नोएडा पहुंचने के बाद उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इस घटना से मेट्रो कर्मचारियों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नोएडा पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि उन्हें जल्दी जमानत भी मिल गई थी। अब उनकी 4 साल की मासूम बेटी को जान से मारने की धमकी मिली है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।